जय माता दी। इस वीडियो में मैं बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों को किन समय के अंदर बिजनेस करने से बचना चाहिए। कुछ ऐसे मैं आपको लोग बताऊंगा, अगर आप थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हो तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे। अगर जन्म कुंडली में बुध देव, लाल किताब में बुध देव जो कि मेन बिजनेस के लिए माने जाते हैं, अगर हमने बिजनेस करना है तो बुध देव को देखना बेहद जरूरी है और साथ ही शनि को देखना भी बेहद जरूरी है। अगर आपकी उम्र 34 साल से कम है और आपकी जन्म कुंडली में बुध देव तीसरे घर के साथ संबंध कर रहे हैं, यानी कि तीसरे घर में बैठे हैं और मंगल भी उस समय के अंदर बद है, एक तो हो गया ये लो, दूसरा या फिर बुध देव आपके आठवें घर के अंदर बैठे हैं या नौवें घर में बैठे हैं या बारहवें घर के अंदर बैठे हैं, इन घरों के अंदर अगर बुध देव बैठे हैं तो आपको कभी भी 34 साल की उम्र से पहले बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर आप 34 साल की उम्र से पहले अपने बिजनेस में के अंदर बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें नुकसान देखने को मिलेंगे, या जिस हिसाब से आपको बिजनेस में बेनिफिट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, या कई बार अगर बुध ज़्यादा खराबी पर हुए और बुध की महादशा या अंतरदशा ही आ गई उस समय के अंदर आपको अपने बिजनेस को ताला भी लगाना पड़ सकता है, यानी बिजनेस बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ सकता है, इस तरह के हालात बनते हैं। दूसरा योग, अगर आपकी सबसे पहले आपने ये देखना है, उम्र इसमें कोई नहीं है, चाहे आपकी 34 साल से ज़्यादा ही उम्र है उससे कोई फर्क नहीं, जिस ग्रह की महादशा आपकी चल रही है वो ग्रह अगर जन्म कुंडली के तीसरे आठवें और बारहवें घर के साथ संबंध कर रहा है तो उस ग्रह की महादशा में किया गया बिजनेस कभी भी चलेगा नहीं, बिजनेस के अंदर रुकावटें आएंगी, बार बार बिजनेस अप एंड डाउन की तरफ जाएगा और जितनी मेहनत करोगे उतना फल नहीं मिल पाएगा बिजनेस के अंदर। इसलिए जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह को देखना जरूरी है, अगर वो 3, 8, 12 के साथ संबंध कर गया तो बिजनेस कभी भी अच्छा नहीं चल पाएगा, मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा, बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है, कर्ज जैसे हालात बन सकते हैं, एक तो हो गया ये लो। और साथ ही तीसरा योग, अगर जन्म कुंडली में बुध देव किसी भी घर के अंदर बैठे हो लेकिन नीच राशि में बैठे हो और अपने दुश्मन या तो मंगल या केतु के साथ बैठे हो और साथ ही शनि देव भी खराब घरों में हो या जन्म कुंडली के लॉ वाइज खराब हो रहे हो या नीच घरों में हो, तो ऐसे में भी इंसान की उम्र चाहे 34 साल से कम है चाहे ज़्यादा है बिजनेस करने से ज़रूर बचना चाहिए। अगर बिजनेस करना है तो पहले उपाय करने बेहद ज़रूरी है, तभी आपका बिजनेस अच्छा चल पाएगा। ये तीन मेन योग मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली दिखवा के ज़रूर देखना पड़ेगा कि बुध की पोजीशन क्या है, शनि की पोजीशन क्या है और जिस ग्रह की दशा चल रही है वो उसको खराब घर तो नहीं लगे, कहीं बिजनेस में किया गई इन्वेस्टमेंट आपकी ख़राब तो नहीं जाएगी। इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, लाखों रुपये लगाने से पहले एक बार जन्म कुंडली ज़रूर दिखवा लीजिए आप, ताँ जो आगे जाकर के बिजनेस में नुकसान ना हो। इसी तरह से हम और भी विषयों में आप लोगों के साथ चर्चा करते रहेंगे, इजाज़त दीजिए। जय माता।